सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शलगम का भरता या शलगम की सब्जी बनाना बताएंगे। ये भरते के स्टाइल में बनेगी। तो मैंने ये आधा किलो शलगम काट लिए हैं और मेरे पास ये टमाटर हैं, मैंने दो टमाटर काटे हैं, दो हरी मिर्च है और थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का है, एक दो चम्मच हमारे पास छोटे वाले लहसुन की पेस्ट है और एक कटोरी मैंने छोटी वाली मटर की ली है और ये हमने हींग लिया है तड़के में डालने के लिए और धनिया लिया है डेकोरेशन के लिए और हमें गार्निश करनी है धनिए से। ये हमने प्याज लिए हैं तो इनको मैंने क्रश कर लिया अच्छी तरह। तो इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, देगी मिर्च, गरम मसाला और जीरा। इसका हम तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने इनको शलगम को हमने काट लिया है, अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसे कुकर में डाल के सीटी लगवाएंगे। ये मैंने कुकर लिया है, इसमें हम शलगम डाल देंगे। और इसमें मैंने आधा गिलास पानी का डाल दिया है और इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और आधा ही चम्मच हम हल्दी का डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करके दो सीटी लगवा लेंगे। अब इसे हमने दो सीटी लगवा के अच्छी तरह फिर ठंडा कर लेना है। अब ये हमारे शलगम अच्छी तरह उबल गए हैं, ये देखिए। इनको हमने इस तरह मैशर ले लेना है आपने, या फिर आप कड़छी ले लें, उससे आपने इसे अच्छी तरह मैश कर देना है। कोई भी पीस दिखना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह पेस्ट बना लेनी है एक तरह से, जैसे हम भरते के लिए बैंगन करते हैं उसी तरह करना है आपने इसको। और अब हम इसको मैश करने के बाद अब हम तड़का तैयार करेंगे इसका। ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, तो इसके अंदर मैंने दो चम्मच तेल डाला है, तो इसमें हम जीरा डालेंगे पहले। जीरा ब्राउन हो गया है, इसमें अब हम लहसुन डाल देंगे पहले। लहसुन को हमने हल्का ब्राउन करना है, ज्यादा लहसुन अब हमारा ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम लहसुन के बाद हम इसमें प्याज की पेस्ट डालेंगे। ब्राउन होने तक भूनेंगे। अभी प्याज हमारे भून रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पहले हींग भी डाल देंगे। अभी ये इसके तड़के के साथ ही भून जाएगी, मैंने इतनी हींग डाली है। इसको हमने अच्छी तरह मसाले में भून लेना है। अब प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम आधा चम्मच देगी मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाते हो। आपने पहले हमने जब उबाले थे शलगम उसमें भी आधा चम्मच डाला था, तो आप थोड़ा ध्यान से डालें। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले हमारे भून गए अच्छी तरह, इसमें हम मटर डाल देंगे। मटर हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे अच्छी तरह। एक मिनट के लिए मटर भूनने के बाद हम इसमें मैंने इसमें दो हरी मिर्च, अदरक और टमाटर को मैंने इस तरह कट कर लिया है क्रश के अंदर। तो इसमें ये मेरे पास क्रशर है जिसमें हम ग्रेट कर लेते हैं, तो आप मिक्सर में भी कर सकते हो। तो इसे पहले आप अच्छी तरह भून लो। मसाला तो हमारा अच्छी तरह रेडी हो गया है। इसमें जो ऑयल है मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है, इसमें हम दो तीन चम्मच पानी के डाल के इसको ढक के पकाएंगे ताकि ये जो हमारे मटर हैं ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हमने
दो तीन मिनट के लिए ढक के पकाना है अच्छी तरह। अभी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, मटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम जो हमने वो शलगम को उबाल के पेस्ट बनाई थी उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये आपने अच्छी तरह मैश कर देना है, अगर कोई पीस रह भी जाए तो, दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कोई पीस। जो हम सब्जी बनाते हैं उसमें तो हमारे डायरेक्ट पीस पड़े रहते हैं पूरे, लेकिन इसमें नहीं हमने छोड़ने, ये हमारा शलगम का भरता है। अभी ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अब हमने इसके अंदर मसाला डाला है तो मसाले का टेस्ट शलगम में अभी नहीं आया है, तो अब हम इसे दो तीन मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे अच्छी तरह। अब दो तीन मिनट हो गए हैं सब्जी को रखे हुए, तो हम देखते हैं निकाल के। तो ये हमारी सब्जी अब बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसमें इसको बाउल में डालेंगे और गार्निश करेंगे। अब सब्जी को हमने बाउल में डाल लिया है तो इसको हम पहले धनिया से थोड़ा गार्निश कर देंगे। और फ्रेश क्रीम है मेरे पास तो इसको हम थोड़ी सी क्रीम से भी गार्निश करेंगे। तो आप इस डिश को ट्राई जरूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये जो शलगम होता है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो बच्चे इसको खाते नहीं है, लेकिन आप इसको नए तरीके में बनाओगे तो ज़रूर खाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।